ये एक तीन जादुई फल हैं जो उष्णकटिबंधीय दुनिया में पाए जाते हैं, इन्हें सही तरीके से मिलाना। तो त्रिफला, अगर आप इसे थोड़े बहुत पानी या एक चम्मच दूध या थोड़े शहद के साथ लेते हैं तो शरीर में काफ़ी सफाई होगी, ये जादुई है। बस थोड़ा सा अरंडी का तेल आधी चम्मच हर दिन रात को थोड़ा सा गर्म कीजिए, उसे पानी में या दूध में डाल के पी जाएं, आप देखेंगे कि आपका पेट साफ रहेगा और आपका लिम्फेटिक सिस्टम सक्रिय हो जाएगा। लेकिन आज हम एक ऐसे समय पर हैं, अभी अभी तमिलनाडु में इसे मार्गली कहते हैं, दूसरे राज्यों में इसे मार्गशिरा कहते हैं। इस महीने में 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक ये एक महीना, क्योंकि सूर्य का प्रभाव धरती के उत्तरी गोलार्ध में बहुत कम होने की वजह से एक तरह का जड़त्व हर भौतिक चीज में बैठने लगता है। जो जीवन का भौतिक पहलू है वो बहुत, उसमें इनर्शिया आ जाता है, उसमें जड़त्व आ जाता है। जब मैं कहता हूँ भौतिक, तो इसमें मानसिक और भावनात्मक आयाम भी शामिल हैं, क्योंकि वो भी भौतिक है। तो ऐसे एक समय पे आपके समय का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम धीमा हो जाता है, आपको इसे समझना होगा। इसीलिए आपकी सुबह की साधना बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पर अगर आप हठ योग, सूर्य क्रिया या शक्ति चलन क्रिया कर रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम सक्रिय हो रहा है। लिम्फेटिक सिस्टम ही शरीर में फ्लूइड का मैनेजमेंट करता है और बाहरी ऑर्गेनिजम्स का ख्याल रखता है जो आपको बीमार कर सकते हैं। थोड़ी और मदद की शायद ज़रूरत पड़े, इस बात का ख्याल रखना कि आप अपनी प्यास की ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा पानी पिएं, शायद 20% ज़्यादा पानी पिएं। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं पर्याप्त पानी पी रहा हूँ? अगर आप कोई दवाई वगैरह नहीं ले रहे, अगर आप पर्याप्त पानी पीते हैं, तो आपकी पेशाब भी पानी की जैसे ही दिखेगी, उसमें कोई और रंग नहीं होगा, जब तक कि आप कोई दवाई ना ले रहे हो। अगर आप कोई दवाई नहीं ले रहे तो पेशाब भी पानी के रंग की ही होनी चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो इसका मतलब है कि आप पर्याप्त पानी नहीं पी रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शरीर के फ्लूइड्स अच्छे से मैनेज किए जाएं, क्योंकि इन फ्लूइड्स को शरीर के अंदर लगातार यहाँ वहाँ बहते रहना चाहिए और सारी गंदगी को साफ करना चाहिए। त्रिफला नाम की एक चीज़ होती है, ये एक तीन जादुई फल हैं जो उष्णकटिबंधीय दुनिया में पाए जाते हैं, इन्हें सही तरीके से मिलाना। तो त्रिफला, अगर आप इसे थोड़े बहुत पानी या एक चम्मच दूध या थोड़े शहद के साथ लेते हैं तो शरीर में काफ़ी सफाई होगी, ये जादुई है। मैं कि त्रिफला बहुत अच्छे से इस बात का ख्याल रखता है कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम सक्रिय हो जाए। अगर सब कुछ सामान्य है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, वरना इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस मौसम में जब सूर्य का प्रभाव कम से कम है, आपके भीतर जड़त्व बैठने लगेगा। तो जब ऐसा होता है तो एक नतीजा ये होगा कि आपकी बड़ी आंत साफ नहीं होगी। बड़ी आंत को साफ रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस व्यक्ति के लिए जो सतर्क रहना चाहता है। तो कई सारी चीज़ें की जा सकती हैं, सरल से सरल चीज़ यह है कि आप अपने लिम्फेटिक सिस्टम को सक्रिय रखें। फिर पेट को साफ रखना बहुत आसान होगा, और त्रिफला और पानी भी इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। कई दूसरी छोटी छोटी जड़ी बूटियां हैं जो आपके लिए चमत्कार कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलती, तो दक्षिण भारत में हमें एक जादू मिला जिसे कैस्टर ऑयल कहते हैं, अरंडी का तेल। बस थोड़ा सा अरंडी का तेल आधी चम्मच हर दिन रात को थोड़ा सा गर्म कीजिए, उसे पानी में या दूध में डाल के पी जाएं, आप देखेंगे कि आपका पेट साफ रहेगा और आपका लिम्फेटिक सिस्टम सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि शरीर में जड़त्व कम हो जाएगा। इसका प्रभाव त्रिफला जितना नहीं है, लेकिन कम से कम ये पेट को साफ रखता है। बड़ी आंत अगर साफ नहीं है, बड़ी आंत साफ नहीं होती, तो आप सतर्क नहीं रह पाएंगे। आपके सतर्क रहने की क्षमता और पेट का साफ होना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी भी 20 दिन बचे हुए हैं।
तिल संक्रांति के आने तक ये समय चल रहा है, या आप मान सकते हैं कि महाशिवरात्रि तक इसी तरह का माहौल है। 15 जनवरी के बाद मौसम काफ़ी बदल जाता है, लेकिन जो चीज़ धरती के साथ होती है वो आपके साथ भी होती है। आप सभी इसी धरती से पैदा हुए हैं, हेलो, क्योंकि कई लोग ऐसा बर्ताव करते हैं कि वो कहीं और से आए हैं, एलियंस की तरह बर्ताव करते हैं वो।